देश में कोरोना संक्रमण का नया दौर शुरू हो चुका है। कोरोना संक्रमण से देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत कम प्रभाव पड़ने की आशंका है और जीडीपी ग्रोथ में 1 या 2% की कमी भी भरपाई की जा सकती है। कारोबारी सेंटिमेंट और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस पर असर पड़ने की वजह से अर्थव्यवस्था को ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। HDFC बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट अभीक बरुआ ने कहा कि अगर कोरोना वायरस का संकट जारी रहता है तो इकोनॉमी पर इसका कुछ इम्पैक्ट देखा जा सकता है। इससे वास्तव में जीडीपी ग्रोथ पर 1% तक का असर पड़ सकता है। केयर रेटिंग्स ने अपने अनुमान में कहा कि हमारा पिछला अनुमान यह था कि ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ 10.24% रह सकता है, जो अब घटाकर 9.92% कर दिया गया है।